हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव जर्नी। तो आज के इस डीआईवाई में हम बनाएंगे एक सुंदर सा ट्रेडिशनल दिया, जिससे इस दिवाली मैं तो अपना रूम डेकोरेट करने वाली हूँ। तो चलिए इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए दिया, वॉल पुट्टी पाउडर फॉर क्ले, सिल्वर फॉइल, ग्लू गन, एक्रेलिक कलर और कार्डबोर्ड। यहाँ पर हम एक ओवल शेप का कार्डबोर्ड का पीस लेंगे और फिर सिल्वर फॉइल से एक बेसिक स्ट्रक्चर रेडी करेंगे, एक रफ स्ट्रक्चर, और इसे ग्लू गन की हेल्प से कार्डबोर्ड के आउटलाइंस पे स्टिक कर देंगे कुछ इस तरह से। ग्लूगन की हेल्प से ही दिए को भी हम कार्डबोर्ड के सेंटर में स्टिक कर देंगे। अब बची हुई स्पेस को कवर करने के लिए हम फिर से सिल्वर फॉइल को ग्लूगन की हेल्प से दिए के चारों साइड स्टिक करते जाएंगे, जिससे हमें कछुए का शेल बनाने के लिए एक बेस मिल जाएगा। सिल्वर फॉइल की हेल्प से ही हम कछुए के बॉडी पार्ट्स के बेस रेडी कर लेंगे कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने चार पैर और एक पूंछ बनाई है और ये अब मैं यहाँ पर कछुए का फेस रेडी कर रही हूँ। ये देखिए कछुए का एक बेसिक स्ट्रक्चर अब रेडी है। हम इसे क्ले की हेल्प से कवर करेंगे। यहाँ पर मैंने वॉल पुट्टी पाउडर से होममेड क्ले बनाई है। आप चाहें तो शिल्पकार क्ले या फिर किसी भी तरह की एयर ड्राई क्ले का यूज कर सकते हैं। पानी और क्ले की हेल्प से हम इसे कवर कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने कछुए को पूरी तरह से क्ले से कवर कर दिया है। अब इसकी डिटेनिंग करने के लिए मैं यहाँ पर बारबेक्यू स्टिक का यूज कर रही हूँ। इसके फेस को प्रॉपर लुक देने के लिए स्टिक की हेल्प से ही एक स्माइल बनाई है और फिर आईज के लिए छोटा सा होल किया, फिर वॉल पुट्टी क्ले से छोटी छोटी बॉल्स बनाकर उन्हें आईज पर स्टिक कर दिया है और फिर क्ले की हेल्प से ही उनकी आईब्रो भी बना दी है कुछ इस तरह से।
यहाँ पर हमारा क्ले वर्क अब खत्म होता है। अब हम इसे कम्प्लीटली ड्राई होने के लिए कम से कम एक दिन के लिए रख देंगे। ये कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है तो अब इसे मैंने सैंड पेपर की हेल्प से रब किया है, जिससे इसे एक स्मूथ लुक मिलता है। इस प्रोसेस के बाद हम कछुए को कलर करेंगे और कलर करने के लिए मैंने यहाँ पर ब्लैक एक्रेलिक पेंट का यूज किया है। ब्लैक कलर करने के बाद हम इसे ड्राई होने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए, ये कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है। इसे कछुए का एक प्रॉपर टेक्सचर देने के लिए मैं यहाँ पर पर्ल ग्रीन कलर से इसे पेंट कर रही हूँ। टेक्सचर को और एनहेंस करने के लिए मैं यहाँ पर पर्ल ब्लू कलर से हाईलाइट कर रही हूँ और फिर गोल्डन कलर से डीए को कलर करूँगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, हमारा ट्रेडिशनल दिया अब रेडी है। आई होप ये DIY आपको पसंद आया होगा और आप भी इसे अपने घर पर जरूर ट्राई करेंगे, अपना ड्राइंग रूम या फिर पूजा रूम डेकोरेट करने के लिए। और हाँ, आप मुझे अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। Thank you.